नमस्कार, स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में। मैं हूं आपकी होस्ट मंजू बुधवार। दोस्तों, फिल्म जगत में बाल कलाकारों की भूमिका निभाने वाले बच्चे काफ़ी कम उम्र में, या फिर यूं कहें कि बचपन से ही कैमरे का सामना करना शुरू कर देते हैं। इनमें से कुछ स्टार बन जाते हैं तो कुछ को भुला दिया जाता है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसे बाल कलाकार के बारे में बताएंगे जो किसी पॉपुलर स्टार से कम नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षाली मल्होत्रा की। आपको बता दें कि बजरंगी भाईजान हर्षाली मल्होत्रा की डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म में हर्षाली सलमान खान के साथ नजर आई थी। इसके बाद वो इतनी पॉपुलर हो गई कि आज उनकी सोशल मीडिया पर लाखों में फ़ैन फॉलोइंग है। हर्षाली इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव नज़र आती हैं और आए दिन वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ ना कुछ नया पोस्ट करती रहती हैं, जिससे वो हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। तो चलिए, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे मुन्नी यानी कि हर्षाली मल्होत्रा के जन्म से लेकर फिल्मों तक में काम करने तक के सफ़र के बारे में। 17 जुलाई 2015 को रिलीज़ हुई सलमान खान की सुपरहिट फिल्म बजरंगी भाईजान को 6 साल पूरे होने वाले हैं। ये फिल्म सलमान खान के करियर की सबसे हिट फिल्मों में से एक फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी खूब कमाई की थी। इंडिया ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी सलमान की इस फिल्म ने खूब धमाल मचाया था। फिल्म की रिलीज़ के दौरान सलमान खान के अलावा अगर किसी दूसरे कैरेक्टर की चर्चा हुई थी तो वो थी मुन्नी यानी कि हर्षाली मल्होत्रा, जिनकी खूब तारीफ की गई। बजरंगी भाईजान की छोटी बच्ची मुन्नी ने अपनी म्यूट अदाकारी से दर्शकों के दिल में अपनी एक अहम जगह बनाने में कामयाबी हासिल की। हालांकि असल ज़िंदगी में कहा जाता है कि वो बेहद बातूनी है। हर्षाली मल्होत्रा का जन्म 3 जून 2008 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हर्षाली दिल्ली से भी ताल्लुक़ रखती हैं। दरअसल हर्षाली का फिल्मों और टीवी में काम करने के चलते उनका परिवार मुंबई में शिफ्ट हो गया। हर्षाली की मां का नाम है काजल मल्होत्रा। हर्षाली मुंबई के 7 स्क्वायर एकेडमी की छात्रा हैं। आपको बता दें कि फिल्म बजरंगी भाईजान में हर्षाली का एक भी डायलॉग नहीं था, लेकिन फिर भी वो दर्शकों को बहुत पसंद आई। बजरंगी भाईजान में हर्षाली सलमान खान और करीना कपूर के साथ नजर आई थी। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी एक किरदार था। रिपोर्ट्स की माने तो बजरंगी के सेट पर हर्षाली के सबसे ज़्यादा पसंदीदा निर्देशक कबीर खान थे। बजरंगी के सेट पर सलमान को हर्षाली से इतना प्यार हो गया था कि उन्होंने उसे अपनी भांजी बना लिया था और अब सलमान को हर्षाली मामा कहकर बुलाती हैं। यूं तो हर्षाली के फिल्मी करियर की शुरुआत टीवी कमर्शियल से हुई थी, लेकिन उन्होंने पहली बार कैमरे का सामना 1 साल की उम्र में किया था। हर्षाली जी टीवी और लाइफ ओके के शो में भी नजर आ चुकी हैं। जी टीवी के पॉपुलर शो कबूल है में हर्षाली ने जोया फारूकी के बचपन का किरदार निभाया था। इसके बाद वो नजर आई सीरियल लौट आओ त्रिशा में सान्या के किरदार में। इसके अलावा वो लाइफ ओके के सच्ची घटनाओं पर आधारित प्रोग्राम सावधान इंडिया में भी काम कर चुकी हैं। आपको बता दें कि फिल्म बजरंगी भाईजान के शाहिदा किरदार के लिए लगभग 1000 बच्चियों ने ऑडिशन दिया था। मुन्नी के किरदार के तलाश में मेकर्स को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। मुन्नी के किरदार के लिए उन्हें तलाश थी एक ऐसी लड़की की जिसके चेहरे पर मासूमियत, सादगीपन और प्यारी से स्माइल हो। ऐसी कई लड़कियों के ऑडिशन लेने के बाद आखिर में फिल्म के मेकर्स को हर्षाली मल्होत्रा में मुन्नी नज़र आई। इस फिल्म में हर्षाली का किरदार बेहद ही खूबसूरती से गढ़ा गया था। वो जब भी स्क्रीन पर आती तो दर्शकों को कभी अपनी मासूमियत से रुला देती तो कभी अपनी सादगी से दर्शकों को हंसा जाती। बजरंगी भाईजान में अपने रोल के लिए हर्षाली को कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जिसमें जी सिने अवार्ड्स, बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड और स्क्रीन अवार्ड्स भी शामिल हैं। इसके अलावा हर्षाली इसी फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। हालांकि हर्षाली इस मूवी के बाद किसी बड़े प्रोजेक्ट में अभी तक नज़र नहीं आई हैं,
लेकिन वो आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, जिन पर उनके फैंस जमकर कमेंट्स भी करते हैं। एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा के लुक्स अब पहले से काफ़ी बदल चुके हैं। कोरोना महामारी के चलते हर्षाली मल्होत्रा भी इन दिनों घर पर ही हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था, जिसके मुताबिक उन्हें 8वीं क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। वो स्कूल जाने की मस्ती को बेहद मिस कर रही हैं। आजकल उन्होंने अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन हर्षाली में एक एक्टिंग के अलावा कविता लिखने का भी टैलेंट है। कोरोना के समय में ऑनलाइन क्लासेस के चलते बच्चे अपने स्कूल और टीचर्स को कितना मिस करते हैं, इस दर्द को हर्षाली ने शायराना अंदाज में बयां किया, जिसे उन्होंने एक पोस्ट के जरिए शेयर किया। जो पोस्ट उन्होंने किया है, उसकी कुछ लाइनें हम आपको पढ़कर बताते हैं। वो लाइनें कुछ इस तरह हैं। पहले जाते थे स्कूल तो आता था मज़ा, अब नहीं जा पाते तो मिल रही सज़ा। पहले आता था सब समझ, अब है कम आता, कब खुलेगा स्कूल भगवान ही है जानता। इन लाइनों में उन्होंने स्कूल मिस करने की बात को जिस अंदाज में लिखा है, उसे अब तक 48,000 से भी लोग लाइक कर चुके हैं। उनकी ये पोस्ट उनके और सलमान खान के फैंस को काफ़ी पसंद आ रही है। दोस्तों, हर्षाली मल्होत्रा आजकल मुंबई में अपने परिवार के साथ वक्त बिता रही हैं। इसके साथ साथ वो अपनी पढ़ाई और दूसरे शौक जैसे लिखने पर भी ध्यान दे रही हैं। फिलहाल वो आगे किन प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगी, इस बात की पुष्टि तो अभी तक नहीं की गई है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको रूबरू करवाया फिल्म बजरंगी भाईजान से रातों रात स्टार बनी मुन्नी यानी के हर्षाली मल्होत्रा के जन्म से लेकर उनके परिवार, पढ़ाई और फिल्मी सफ़र तक के बारे में। उनको उनके उज्जवल भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं हमारा चैनल यानी के नेक्स्ट 9 न्यूज़। बॉलीवुड से जुड़ी ऐसे ही इंस्पायरिंग कहानियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि आप तक मनोरंजन की दुनिया से जुड़ी हर खबर पहुंच सके सबसे पहले। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।